हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, उसमें जो यूडीसी की पोस्ट है जो कि एसएससी सीजीएल के थ्रू फिल होती है, उसके बारे में आपको कुछ एक डिटेल्स बताऊंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी एसएससी सीजीएल 2022 के पोस्ट प्रेफरेंस में। इसके अलावा फर्दर जो एसएससी सीजीएल 2023-24, यदि उनसे ये यूडीसी की पोस्ट बीआरओ में यदि फर्दर भी फिल होती है तो क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम बेसिकली फिजिकल, मेडिकल कैसे होता है, उसके अलावा पोस्टिंग कैसे मिलती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में यूडीसी को, उसके अलावा उसकी सैलरी, प्रमोशन, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स का क्या सीन है, फर्दर प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके अलावा रूल एंड रेगुलेशन आर्मी की तरह ही लगते हैं कि नहीं लगते, और भी बहुत सी चीज़ें, अकोमोडेशन कैसे मिलता है, नहीं आने जाने में कैसी सुविधाएं होती हैं या फिर कोई परेशानी होती है, छुट्टियों का क्या प्रोसेस है, आदि सभी में बातें डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहली चीज़ है मेडिकल। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लियर होते हो तो आपकी रनिंग वगैरह होती है। रनिंग 1500 मीटर, 1600 मीटर की रनिंग है आपकी, जो कि आपको इनफ टाइम मिलता है 10 मिनट का, आप इजीली कर पाएंगे। मेडिकल का मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा, जैसे कि आपका हाइट मेजरमेंट होता है वहाँ पे, आपका चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का चेक किया जाएगा, हार्ट बीट चेक होगा, ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, वेट चेक किया जाएगा, एक तरीके से कहूँ तो बीएमआई चेक होता है, बॉडी मास इंडेक्स, आपका जो रेशियो हाइट के अकॉर्डिंग वेट का जो रेशियो है वो मेंटेन होना चाहिए। उसके अलावा आपकी आई साइट चेक की जाती है, चूँकि दिया हुआ है कि 6x18 तक अलाउड है विदाउट ग्लासेस, और विद ग्लासेस आप ग्लास से साथ लेके जाना, जिससे कि 6x6 करेक्शन हो उस ग्लास में, क्योंकि आपको विदाउट ग्लास और विद ग्लास दोनों केसेस में आपकी आईसाइट चेक की जाएगी। स्टेथोस्कोप से आपके लंग्स वगैरह का साउंड वगैरह चेक किया जाता है अच्छे तरीके से, कि कहीं आपको जो अस्थमा वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जो लोकेशन है यहाँ पे पोस्टिंग की वो हाई अल्टीट्यूड वगैरह रहती है, तो इससे कैंडिडेट को परेशानी हो सकती है आगे जाके। फ्लैट फुट भी देखा जाता है, और जिस किसी के हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है तो मैं बता दूं कि आपकी हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम भी चेक की जाती है। उसके अलावा आपको बेंड करके, मतलब आपको बोलते हैं कि आप खांसीए, और उसके साथ में खांसी के साथ में वो कुछ टोट से एग्जामिन करते हैं कि कहीं आप पाइल्स के पेशेंट तो नहीं है, तो ये भी एग्जामिन किया जाता है। इसके अलावा आपके कानों की भी जांच की जाती है, क्योंकि मेरे साथ का एक कैंडिडेट था, उसके ईयर में जो पर्दा है कान का उसमें प्रॉब्लम थी, तो उसके कारण उसको रिमेडिकल मिला था, उसने ऑपरेशन करवाया था, ऑपरेशन के बाद जब वो रिमेडिकल करवाया उसने तो वो फिट माना गया था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन बीपी के कारण बहुत से कैंडिडेट बाहर होते हैं, तो उनका ध्यान रखिए, बाकी पाइल्स आदि का भी आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। मेरा मानना है कि आप यदि इनमें से किसी प्रॉब्लम से के शिकार हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए, डॉक्टर की सलाह लेते हुए ऑपरेशन या फिर प्रिकॉशन ले लीजिए, उसके बाद मेडिकल में आए। तो शेड्यूल 2022 के नोटिफिकेशन में जो शेड्यूल 3 है, उसमें जो सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो मेडिकल और फिजिकल की जो भी क्राइटेरिया है वो मेंशन है शेड्यूल 3 करके है नोटिफिकेशन में, उसमें कुछ दिया हुआ है कि मेडिकल स्टैंडर्ड एंड रिक्रूटमेंट इन ग्रीफ जनरल रोड इंजीनियरिंग फोर्सेस ग्रीफ, तो वहाँ पे आप फर्दर चेक कर लेना। ट्रेनिंग बताऊँ तो 59 डेज की है ट्रेनिंग पीरियड, उसके अलावा हो सकता है कि आपका एक्सटेंड भी कर दिया जाए ट्रेनिंग पीरियड, 1 महीने का एक्सटेंशन हो सकता है, हमारा 1 महीने का एक्सटेंशन हुआ था, तो 59 डेज में 1 महीना और आप ऐड करेंगे तो लगभग 89 डेज का हमारा ट्रेनिंग पीरियड हुआ था। उसमें आपको ट्रेनिंग पीरियड में मैं आपको एक थोड़ा सा समरी देता हूँ कि सुबह पहली चीज़ तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये पोस्ट ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल है, वहाँ भी लिख रखा है। तो मैं अभी वापस आता हूँ, ट्रेनिंग टाइम पर आपको सुबह 4:15 बजे उठाया जाएगा विसल के साथ में, 4:15 बजे उठने के बाद में आप अपना डेली रूटीन करेंगे, जैसे कि सुबह उठ के फ्रेश हो लिए, उसके बाद में टूथब्रश कर लिया, शेविंग कर ली, शेविंग डेली करना ज़रूरी है, और शेविंग करने के बाद में आपको 5 बजे फॉल इन होना है
जितने भी ट्रेनी है, UDC हो चाहे LDC हो, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, चाहे हिंदी टाइपिस्ट हो, चाहे कुक हो, जो भी BRO में जाते हैं, सभी की ट्रेनिंग एक साथ होती है ऑलमोस्ट। जो जूनियर इंजीनियर हैं JEE, उनका सेपरेट पोर्शन रहता है, उसके अलावा सारे बाकी सारे जो भी ट्रेड हैं वो एक साथ ही एक ही जगह रहते हैं। तो बाद में आपको 5 बजे ट्रेनिंग, 5 बजे आप PT के लिए जाएंगे, रनिंग के लिए। टोटल कैंडिडेट हैं उनको 5 या 6 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, और हर इंस्ट्रक्टर अपने साथ 20 या 25 कैंडिडेट को लेकर चला जाता है, और उनको अलग अलग एक्सरसाइज और रनिंग करवाता है। इसके बाद में आप 6:15 या 6:30 तक वापस आएंगे अपने जहाँ पे रहते हैं, बैरक वगैरह में। वहाँ पे आपको 10 या 15 मिनट मिलेंगे, फटाफट आपको ड्रेस चेंज करनी है। पहले PT की ड्रेस अलग है, ड्रिल की ड्रेस अलग है। अब आपको क्या करना है, जो खाकी ड्रेस है वो पहननी है, DM शूज़ लगाने हैं। लगाने के बाद में आपको 15 से 20 मिनट में फटाफट तैयार होकर वापस से ग्राउंड में आना है, और आप फॉल इन होकर वापस से एक बंदा आपका जो भी सीनियर होगा वो साथ सभी को ले जाएगा ग्राउंड में। वहाँ पे इंस्ट्रक्टर आपको ड्रिल करवाएंगे। ड्रिल में क्या होता है, बेसिकली जो परेड आप देखते हैं उसकी रिहर्सल होती है, क्योंकि आपकी जैसे ही कंप्लीट होती है ट्रेनिंग पीरियड, तो आपको लास्ट में एक पासिंग आउट परेड होती है, जो जो कि कमांडर या फिर जो TYC होते हैं वहाँ पे, उनके सामने परफॉर्म की जाती है। तो वो आना आपको जो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहम हिस्सा है। इसके बाद में आप वहाँ से लगभग 7 से 8:30 तक आपका, मतलब 7 से 8:15 या 8:30 तक आप मानिए कि ये चलता है, 8:30 तक वापस आते हैं आप। उसके बाद में आधे घंटा आपको नाश्ते का टाइम मिलता है, 8:30 से 9, 9 बजे आप क्या करते हैं कि वापस से आपका फॉल इन होता है, विसल बजता है, एक सीनियर जो भी आपका सीनियर कैंडिडेट है वो विसल बजाता है, सारे बंदे इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ पे जिसकी क्लासेस हैं उनको क्लासेस के लिए भेजा जाता है, और किसी को जैसे कुक वगैरह है उनकी क्या प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, तो वो उनको डिटेल किया जाता है, वहाँ पे वो सीखते हैं बनाना वगैरह जो भी है चीज़ें। 12 बजे तक आपकी लगभग क्लासेस रहेंगी, 12 बजे आप 12:15 तक वापस आते हैं, तो आपको खाना खाते हैं 12:30-1 बजे तक। बाद में 1 से 1:30 बजे के बीच में आपको रेस्ट मिलता है, 1:30 बजे के बाद में दोबारा फॉल इन होना होता है। आधे घंटे में आपका डिटेलमेंट फिर से होता है, जो आपका 1:30 बजे डिटेलमेंट हुआ है वो आपके वर्क के अकॉर्डिंग, आप जिस सेक्शन में काम करेंगे जाने के बाद में, उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि क्लेरिकल साइड से हो, जैसे कि UDC हुआ, LDC हुआ या हिंदी टाइपिस्ट हुआ, तो आपको ऐसे सेक्शन में भेजा जाएगा जिससे कि आप क्लेरिकल, जो लेटर का कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, लेटर डिस्पैच करना है, इन रिसीव हुए लेटर तो उनकी छटनी करनी होती है कि कौन सा लेटर किस सेक्शन से रिलेटेड है वो आप बताते हैं, तो उसमें कुछ बंदों का डिटेलमेंट हो जाता है, कुछ एक कैंडिडेट्स का डिटेलमेंट वहाँ पे कर देते हैं। जैसे कि नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो वहाँ पे हो जाता है, ताकि वो जो ट्रेनिंग में जो कैंडिडेट है वो हेल्प करते रहते हैं, जो DV करवाने हैं उनकी, और जो स्टाफ जिन जो स्टाफ DV उन कैंडिडेट्स का कर रहा है उनकी वो हेल्प करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल वर्क चलता है। फिर आप लगभग 5 बजे वापस से रिपोर्ट करोगे जहाँ पे आप रहते हैं बैरक में। 5 बजे सभी जिनको डिटेल किया था, 1:30 बजे अलग अलग जगह, वो सारे 5 बजे इकट्ठा अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। 5 से 6 तक स्पोर्ट्स होता है, 6 बजे स्पोर्ट्स ख़त्म होते हैं, आप वापस से अपनी बैरक पे आते हैं, और 6 बजे बाद में आपकी फॉल इन होती है। फॉल इन में जो आपके CHM होते हैं, चीफ हवलदार मेजर, वो आपको कुछ एक आज कुछ इस दिन में क्या नया घटा है, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कशन करते हैं। लगभग ये डिस्कशन 1 घंटे तक चलता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है वहाँ पे, काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ है। उसके बाद में लगभग 8:15-7:30 फ्री होते हैं, फिर 8:15-7:30 से 8:15 बजे तक का आपका खाने का टाइम है, आप खाना खाइए, और 8:30 से लेके आपके पास में लगभग 9:30 बजे तक, 9:15 या 9:30 बजे तक आपका टाइम है। 1 घंटे आपको कोई मोबाइल वोबाइल चलाना है या घर पे बात करनी है तो घर पे बात कर लीजिए, और 9:30 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, 9:30 बजे आप सो जाओ। और वैसे भी इतना थक जाता है इंसान कि सो जाता है 9:30 बजे, क्योंकि सुबह अगले दिन वापस से 4:15 बजे विसल बजनी है, 4:15 बजे के साथ ही आप, वही एक सेम प्रोसीजर चलेगा, PT, ड्रिल, क्लासेस,
खाना हो गया, वापस से प्रैक्टिकल वर्क के लिए डिटेलमेंट हो गया, शाम को गेम्स हो गया, फॉल इन हो गया, खाना हो गया, वापस से सो गए। तो ये है एक ट्रेनिंग का ओवरव्यू। आपकी 59 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में जब आपकी पोस्टिंग आ जाती है, पोस्टिंग जिस लोकेशन पे आपको मिलती है, आपको वहाँ पे जो आपने ट्रेनिंग में किया है कि सुबह 4:15 बजे उठना है, पीटी करनी है, ड्रिल करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप ऑफिस आवर्स में काम करिए अपने, जो भी 8 to 5 है, उसके बाद में अपने रूम पे आइए, आपको जो मस्ती लेनी है, मोबाइल देखना है, टीवी देखना है, मार्केट जाना है, आसपास यदि मार्केट है, रनिंग के लिए जाना है, एक्सरसाइज करनी है, तो वो आप काम कर सकते हैं। ऑफिस आवर्स के अलावा आपका पर्सनल टाइम है, आपको जैसे यूटिलाइज करना है करिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वो काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि जो अलोकेशन है कि आप ट्रेनिंग के बाद में कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, वो कैसे है। तो मैं आपको बता दूँ कि वो रेंडम होती है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप जैसे जैसे सीजीएल 2022 में 35 UDC का रिक्रूटमेंट होगा इस डिपार्टमेंट में, तो ट्रेनिंग के टाइम पे उनको रेंडम जगह फेंक दिया जाएगा जहाँ भी रिक्वायरमेंट है जिस प्रोजेक्ट में, क्योंकि 17 या 18 प्रोजेक्ट हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। तो हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर प्रोजेक्ट जो भी है उसके अंदर BRTFs होती हैं। BRTFs में नीचे हर BRTF के अंदर RCC रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, BCC ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी, पायनियर कंपनी जो कि मैन पावर प्रोवाइड करवाता है, फील्ड वर्कशॉप जहाँ पे जो व्हीकल्स वगैरह हैं उनकी व्यवस्था रहती है वहाँ पे। तो इस तरीके से नीचे सब यूनिट होते हैं 4 और 5, तो वहाँ भी UDC बैठते हैं सभी सब यूनिट्स में। BRTF लेवल पे भी UDC बैठता है, और जो प्रोजेक्ट लेवल है वहाँ पे भी UDC बैठते हैं, तो वो रेंडम भेजते हैं। UDC की बेसिक सैलरी क्या है, बहुत से कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है। तो बेसिक सैलरी ये 2400 ग्रेड पे की जॉब है और 25,500 इसका बेसिक है। यदि आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में एज ए UDC रिक्रूट होते हो और ज्वाइन करते हो, तो आज के दिन बता रहा हूँ कि 25,500 आपकी बेसिक है, प्लस 42% DA हो चुका है, प्लस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में लगभग ऐसी लोकेशन है कि HRA आपको 9% मिलेगा। तो एक तरीके से कहूँ तो 42 से 9 51% तो एक तरीके से कहूँ कि बेसिक DA और HRA तीनों को यदि अपन जोड़ दें तो 38,500 के समथिंग आपका बनेगा। प्लस अब मैं बताता हूँ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में एक बेनिफिट आपको कि आपकी अलोकेशन हाई एल्टीट्यूड टफ एरिया और आप नॉर्थ ईस्ट साइड में हो तो उसका एक अलग से बेनिफिट मिलता है। तो ये वाली चीज़ें बेनिफिट मिला के 5-6 हज़ार का एडिशनल पर्क है, तो ये आपको लगभग 38,000, 38,500 प्लस ये 6,000 रुपये, 5 या 6,000 रुपये का, तो आपकी सैलरी बनेगी 43,500 या 44,000 रुपये। फिर एक चीज़ और थी कि पोस्टिंग का क्या सीन है। पोस्टिंग में बता दूँ आपकी परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, हर 3 साल में आपकी पोस्टिंग चेंज होगी यहाँ पे, हर 3 साल में। नॉर्थ ईस्ट, अभी आप नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश हूँ अभी पोस्टेड, नेक्स्ट पोस्टिंग मेरी हो सकता है नॉर्थ ईस्ट साइड में कहीं दूसरे प्रोजेक्ट में आ जाए, हो सकता है कि लेह लद्दाख साइड में हो जाए, हो सकता है कि मेरी पोस्टिंग जो चेतक प्रोजेक्ट है राजस्थान पंजाब में उस साइड आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि रेंडम पोस्टिंग आती है और 3 साल में आपकी पोस्टिंग लोकेशन चेंज होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि क्या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, क्या हम एग्ज़ाम क्लियर करके जल्दी से प्रमोशन ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्लियरली बता देता हूँ कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो UDC का पद है वहाँ पे आपको कोई ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि कोई एग्ज़ाम लिखेंगे आप और उससे आप जल्दी से प्रमोशन ले लेंगे। ऑन एन एवरेज आपको 10 से 12 साल लगते हैं UDC से असिस्टेंट बनने में। अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपके एक सिंगल स्ट्रिप रहती है रेड कलर की, जब असिस्टेंट बनते हैं तो 2 स्ट्रिप हो जाती है 10 से 12 साल में कंधे पे। इसके बाद में नेक्स्ट 12 या 13 साल में आप असिस्टेंट एडम ऑफिसर बन जाते हैं, जो कि आपको एक येलो स्ट्रिप देती है कंधे पे। तो इस तरीके से ये हायरार्की, और लास्ट असिस्टेंट एडम ऑफिसर से आप रिटायर हो जाते हैं। तो लगभग एज ए UDC ज्वाइन करने से आप यहीं तक लास्ट 2 प्रमोशन आप ले पाते।
काफ़ी कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था कि वर्किंग आवर्स क्या हैं। तो वर्किंग आवर्स के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये डिपेंड करता है लोकेशन पे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपकी लोकेशन होगी वो आपके बॉर्डर पे ही रहेगी। बॉर्डर इन द सेंस पाकिस्तान बॉर्डर आ गया, इधर चाइना बॉर्डर आ गया, और जो भी इंडिया का किसी दूसरी कंट्री के साथ किसी के साथ भी बॉर्डर लग रहा है तो उस एरिया में रोड बनाने का काम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट हैं जो कि अलग अलग एरिया कवर करके रखते हैं और वहीं पे आप एज ए यूडीसी पोस्टेड होते हो। मैं अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड हूँ और यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स है 8:30 बजे से ऑफिस है 1:30 बजे तक, फिर आपको 1 घंटे का रेस्ट है, मतलब खाना वाना खाइए, लंच करिए, और 1:30 से 5 तक का ऑफिस है ये चीज़ है। इसके बाद में आप कुछ भी अपना काम करिए। वर्किंग आवर्स सेम है जो कि अदर डिपार्टमेंट में यूडीसी है, 8:30 से जैसे मेरी ऑफिस है 1:30 बजे तक, उसके बाद में 2:30 से 5 बजे तक ऑफिस है। और हाँ, इस डिपार्टमेंट में आपको सैटरडे ऑफ नहीं मिलेगा, इसमें आपके 2 हाफ डे होते हैं, एक वेनसडे हाफ डे होता है और एक होता है आपका सैटरडे हाफ डे होता है। ड्रेस की बात आती है तो हाँ, आपको खाकी ड्रेस पहननी पड़ती है, आपकी वर्दी खाकी है, और आपको जो 2 हाफ डे और 4 कंप्लीट डे आप खाकी पहन के जाते हैं। सिविल ड्रेस नहीं है फिलहाल मेरी लोकेशन पे, काफ़ी लोकेशन पे यूँ है कि जो हाफ डे है उस वाले दिन हाफ डे के दिन सिविल ड्रेस पहनते हैं, तो ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। इस डिपार्टमेंट में मैं यदि छुट्टियों की बात करूँ तो छुट्टियाँ आपके पास काफ़ी हैं, जैसे कि EL अर्न लीव 60 हैं, बाकी डिपार्टमेंट में 30 मिलती हैं, लेकिन BRO में 60 हैं। जो CL है वो 15 है। उसके अलावा जो हाफ पेमेंट लीव, मतलब आप यदि HPL लेते हो, ये है 20 HPL मिलती हैं आपको पूरे साल में। यदि आप HPL लेते हो तो आपको एक दिन की आधी सैलरी, जो भी आपकी पर डे की सैलरी बनती है उसकी आधी सैलरी मिलती है, मीन्स आपने 20 दिन की छुट्टी लिया आपकी 10 दिन की सैलरी मिलेगी आपको। फिर 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिलते हैं, तो ओवरऑल एक बताऊँ तो काफ़ी छुट्टियाँ मिल जाती हैं इनफ। इस डिपार्टमेंट में आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, आपको दोनों कार्ड मिलते हैं, एक ग्रोसरी कार्ड एक लिक्विड कार्ड। चूँकि एक UDC और जूनियर इंजीनियर सुपरवाइज़र और यू कैन से कि JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर में काउंट होता है, ग्रोसरी तो आप ले सकते हैं, उसकी एक लिमिट होती है कि हाँ इतना सामान, ये टाइप का सामान आप इतना ले सकते हैं। लिक्विड की बात बताऊँ तो आपको 7 बोतल अलाउड है, ठीक है, काफ़ी का होता है कि हाँ भाई ठीक है लिक्विड कार्ड 7 बोतल, ठीक है, तो 7 बोतल आपको अलाउड है, ऑथराइज्ड है, आप 7 बोतल हर मंथ अवेल कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि क्या मैं फर्दर प्रिपरेशन कर पाऊँगा इस जॉब के साथ में, तो मैं आपको बता दूँ ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्शन में डिप्लॉयड हो। यहाँ पे लगभग 6 से 7 सेक्शन होते हैं, जैसे क्लेरिकल सेक्शन होता है, E1 E2 हो गया जिसमें जूनियर इंजीनियर रहते हैं, उनको एक UDC वगैरह भी या फिर LDC भी मिलता है वहाँ पे। उसके अलावा E3 हो गया जिसमें प्रोक्योरमेंट वगैरह होता है, E4 हो गया जिसमें जो व्हीकल्स वगैरह है, गाड़ी, किसी को गाड़ी या कहीं जाना है तो वो वहाँ पर उनसे पूछता है, या फिर और भी कोई चीज़ें लानी है वगैरह, तो एक MTO डिटेल रहते हैं और वो डिटेलमेंट करते हैं गाड़ी का, कहीं जाना है या नहीं जाता, वो सारी समरी रखते हैं। E4 हो गया, E5 बजट हो गया, बजट से रिलेटेड, ऐसे ही E8 सेक्शन हो गया, तो ये डिपेंड करता है। जैसे सबसे हेक्टिक रहता है E2 E3 E5 और E8, इनमें थोड़ा हेक्टिक काम है, तो यदि आप इसमें डिप्लॉयड होते हो, मैं E3 में हूँ, तो इन सेक्शन में आप डिप्लॉयड होते हो तो आपको थोड़ा यूँ हो सकता है कि क्योंकि संडे के दिन आप इधर ही यूनिट में रहते हैं, तो हो सकता है कि संडे के दिन भी आप 1-2 घंटे जाके काम करें, तो ये डिपेंड करता है आपके सेक्शन पे। E1 में हैं तो आप टाइमली छूट जाएंगे 8:30 से 5 बजे तक, और बाकी टाइम पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एज सच। एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है मेरे यहाँ पे, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सेपरेट रूम मिला हुआ है सुपरवाइज़र को, क्योंकि हम सुपरवाइज़र JCO में आते हैं तो हमें सेपरेट रूम मिलता है, तो सेपरेट रूम मिला हुआ है तो मैं अपनी स्टडी करो चाहे कुछ भी करो रूम में, तो एक फुली फ्रीडम रहती है
और हो सकता है कि कई जगह ऐसी हैं कि वहाँ पे आपको सिंगल रूम न मिले, तो टू शेयरिंग मिलता है, तो उस केस में थोड़ी हो सकता है कि डिस्टरबेंस हो आपकी स्टडी में। एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपका मिनिमल चार्ज आता है मेस का, लगभग आप देखोगे तो मंथली आपका 400 या 500 रुपये खाने का पड़ेगा, रूम का कुछ है नहीं, सिंगल का रूम आपको दे रखा है, तो आपका एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है इस डिपार्टमेंट में, आप जो सैलरी आ रही है आपकी फुली सेविंग है। कुछ कॉन्स हैं जो मैं आपको बता दूं फटाफट। तो कॉन्स में एक तो ये है कि जनरली आपको एक परेशानी का और सामना करना पड़ सकता है कि आपकी पोस्टिंग रिमोट लोकेशंस पे होती है, हाई एल्टीट्यूड एरिया में होती है, और यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होती है मोस्टली जगह पे सिविल बसेस और सिविल गाड़ियों की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो आपको छुट्टी जाते समय आपके यूनिट की जो गाड़ी है, बस जो भी है, मोस्टली टाइम पे सैटरडे को निकलती है, उसी में जाना होता है। उसके अलावा आप जो यूनिट आ रहे होते हैं वापस से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम में एक ट्रांजिट कैंप होता है, वहाँ पे सभी बंदे इकट्ठे होते हैं और वहाँ से वो गाड़ी लेके जाती है, तो मंडे को निकलती है शायद वहाँ से। यदि आपको वीकडेज में घर पे जाना है तो हो सकता है आपको परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि सिविल बसेस और सिविल गाड़ियाँ नहीं हैं, तो वो एक थोड़ी प्रॉब्लम है। ओवरऑल यदि मैं प्रोज और कॉन्स की बात करूँ तो प्रोज में ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि आपको कैंटीन कार्ड वगैरह मिलते हैं, आपको ग्रोसरी और लिक्विड कार्ड मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हो तो और वर्दी है आपके पास में, तो आपका एक सोशल रेस्पेक्ट जहाँ भी आप रहते हैं गांव या शहर में, तो एक आर्मी की तरह आपकी जो भी एक सोशल रेस्पेक्ट है वो अलग नज़रिए से आप देखे जाओगे। थर्ड पॉइंट ये है कि यदि सिंगल का रूम असाइन होता है, आप ठीक ठाक से एक्शन मिल जाता है, तो पढ़ाई का भी आपके पास में इनफ टाइम है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कि आपको 60 EL, 15 CL और 20 HPL, ठीक है, और 2 जो RS रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे हैं वो मिलते हैं, लगभग 105 डेज की आपको लीव्स मिलती हैं, तो खूब लीव्स हैं। तो आप यदि एग्ज़ाम वगैरह का सेंटर अपने घर पे या फिर जब भी भरते हैं तो छुट्टी 1-1.5 महीने की लंबी छुट्टी लेके जा सकते हैं और तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। EOL भी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये भी ले सकते हैं, आपकी सैलरी रोक दी जाएगी और आप प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि मैं कॉन्स की बात करूँ इस डिपार्टमेंट में, पहली बात तो ये है कि कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं है जिससे कि आप अपनी ग्रोथ को सुनिश्चित कर सकें कि मैं फटाफट एग्ज़ाम क्लियर करके प्रमोशन ले लूँगा। दूसरी चीज़ है 3-3 साल से आपकी पोस्टिंग आनी है, और पोस्टिंग हमेशा बॉर्डर एरियाज़ में ही रहनी है, मतलब कि आप यदि बॉर्डर एरिया जो भी बॉर्डर पे स्टेट हैं उनसे बिलोंग नहीं करते, तो ये मान लीजिए आपकी होम पोस्टिंग कभी आनी ही नहीं है, तो हमेशा आप बॉर्डर पे जो भी हैं, क्योंकि बॉर्डर पे रोड बनती हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो बर्फ़ का एरिया वो हो, चाहे रेगिस्तान में राजस्थान के साइड में हो, तो ये आप बॉर्डर पे ही पोस्टेड रहोगे हमेशा। नेक्स्ट कौन ये है कि स्टाफ की कमी जनरली रहती है, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और दे दी जाती हैं आपको, वो भी परफॉर्म करनी पड़ती हैं, तो हो सकता है आपको उतना टाइम न मिले पढ़ाई वगैरह के लिए स्टार्टिंग में। यदि आप पढ़ाई करके कुछ और प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी एग्ज़ाम की, तो ऐसा पॉसिबल है। तो यही सब चीज़ें थी, बाकी आपके जो भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, उससे रिलेटेड मैं हो सकता है कि आपके डाउट्स को लेके एक साथ कोई वीडियो बना दूंगा। इस डिपार्टमेंट को चूज़ करने से पहले मैंने जो बातें बताई हैं इनका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे आपको थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से रहना पड़ेगा, क्योंकि एज ए आर्मी लाइफ ही मानिए आप, पोस्ट प्रेफरेंस देने से पहले इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें, और उसी के बाद में पूरे माइंड सेट के साथ ही आप इस डिपार्टमेंट को चूज़ करें। और कुछ आपके कोई डाउट होते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना, हो सकता है मैं सारे कमेंट्स एक साथ लेके और उस पर जो भी आपके डाउट्स होंगे उन पर एक वीडियो बना दूंगा, या फिर इंडिविजुअल में रिप्लाई करता हूँ जनरली, तो कमेंट्स का मैं इंडिविजुअल रिप्लाई भी कर दूंगा। ओके, अपनी तैयारी करते रहिए और जल्दी आप भी एक अच्छी पोस्ट ले यार। ओके, टेक केयर, बाय बाय।